नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लैच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रूफ करेंगे टेन वर्स वन बाई थ्री प्लस टेन वर्स वन बाई फाइव प्लस टेन वर्स वन बाई सेवन प्लस टेन वर्स वन बाई एट इक्व टू पाई बाई फोर। कभी भी टेन वर्स के फंक्शन हो और एडिशन का निशान हो और रिजल्ट पाई बाई फोर हो तो हमें ये दो चीज़ें दिमाग में ज़रूर आनी चाहिए। पहला कि टेन वर्स पी अपॉन क्यू प्लस टेन वर्स क्यू माइनस पी अपॉन क्यू प्लस पी की वैल्यू पाई बाई फोर होती है, और दूसरा अगर p की वैल्यू 1 ले और q की वैल्यू 2 ले तो टेन वर्स 1 बाई टू प्लस टेन वर्स 1 बाई थ्री इक्व टू भी पाई बाई फोर होता है। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। मैं एक बार टेन वर्स 1 बाई थ्री को टेन वर्स 1 बाई सेवन के साथ सोल्व कर रहा हूँ और टेन वर्स 1 बाई फाइव को टेन वर्स 1 बाई एट के साथ सोल्व कर रहा हूँ। देखेंगे उससे क्या फ़ायदा होता है, और अगली बार मैं इन दो को साथ लेकर और इन दो को लेकर साथ सोल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं कर रहा हूं टेन वर्स वन बाई थ्री प्लस टेन वर्स वन बाई सेवन प्लस टेन वर्स वन बाई फाइव प्लस टेन इनवर्स वन बाई एट। टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे और हमें पता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, और साथ में कंडीशन होती है कि वन माइनस एक्स वाई है वो पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर ये कहो कि एक्स वाई है वो लेस देन वन होना चाहिए, यानी इसका जो हर है डिनोमेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और उसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एक्स वाई लेस देन वन होना चाहिए। तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस वाई, तो tan इनवर्स 1 बाई थ्री प्लस 1 बाई सेवन, वन माइनस वन बाई थ्री इंटू वन बाई सेवन। इसी प्रकार दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan इनवर्स 1 बाई फाइव प्लस 1 बाई एट, वन माइनस वन अपॉन फाइव वन अपॉन एट। सोल्व करें टेन इनवर्स, अगर एलसीएम ले तो 21 एलसीएम आएगा, तो 7 प्लस 3 अपॉन 21। इसी प्रकार नीचे सोल्व करेंगे तो 21 माइनस 1 अपॉन 21। यहां पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 21, और फिर 21 एलसीएम लेंगे तो 21 माइनस 1 अपॉन 21। इसी प्रकार इसमें सोल्व करें तो टेन इनवर्स 5 इंटू एट 40 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे आएगा 8 प्लस 5 अपॉन, में पहले इनको मल्टीप्लाई किया तो 1 अपॉन 40, 1 अपॉन 40 है तो 40 एलसीएम लिया, तो 40 माइनस 1। यहाँ पे इसके अपॉन में भी 21 है, इसके अपॉन में भी 21 है। जब कभी भी a के अपॉन में k हो और b के अपॉन में भी k हो तो k को k कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो a अपॉन k इन टू में आएगा k अपॉन b, और बाद में k से k कैंसिल हो जाएगा, बात एक ही है। तो मैंने इस 21 से 21 को कैंसिल किया, साथ ही मैंने इस 40 से इस 40 को कैंसिल कर दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan अपॉन 20 प्लस tan इनवर्स 13 अपॉन 39। इसे मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 1 बाई टू प्लस tan इनवर्स 1 बाई थ्री। tan इनवर्स 1 बाई टू प्लस tan इनवर्स 13 से कैंसिल किया तो 1 बाई थ्री, और हम जानते हैं कि tan इनवर्स 1 बाई टू प्लस tan इनवर्स 1 बाई थ्री की वैल्यू पाई बाई फोर आती है, तो इसकी वैल्यू भी पाई बाई फोर आएगी। तो हमने सोल्व किया टेन इनवर्स 1 बाई टू प्लस 1 बाई थ्री, 1 माइनस 1 बाई टू इंटू 1 बाई थ्री, टेन इनवर्स एलसीएम लेने पर यह आएगा 5 अपॉन 6 अपॉन 5 अपॉन 6, और अगर 5 अपॉन 6 से 5 अपॉन 6 कैंसिल हो गया तो टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होगी 5/4। ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी प्रूफ कर चुका हूं। इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सोल्व करते हैं।
क्वेश्चन में अब मैंने लिया टेन वर्स 1/3 और टेन वर्स 1/5, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट किया और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने फ्रेश दो को एक साथ लिया और लास्ट जो टू है उनको एक साथ ले लिया। फॉर्मूल लगाएंगे तो टेन वर्स 1/3 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8 टेन इनवर्स, अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 15, 5 प्लस 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/15, 1/15 में भी एलसीएम 15 आएगा तो 15 माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स 56 एलसीएम आ जाएगा 8 प्लस 7 अपॉन में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/56 तो दोबारा 56 एलसीएम आएगा 56 माइनस 1 15 से 15 कैंसिल 56 से 56 कैंसिल इसे मैंने लिखा टेन इनवर्स 8/14 प्लस टेन इनवर्स 15/55 इसे अगर मैं 2 से कैंसिल करूं तो टेन इनवर्स 4/7 प्लस टेन इनवर्स अगर इसे 5 से कैंसिल करूं तो 3/11। अब यदि मैं इस पैटर्न को ध्यान से देखूं तो अगर ये 4/7 है तो ये है 7-4 और ये है 7+4, तो ये जो पैटर्न अगर मिलता है तो उसका सम हमेशा पाई बाई फोर होता है, तो इसका सम भी हमेशा पाई बाई फोर ही आएगा। आप चाहो तो इसको पी अपॉन क्यू मान लो, तो अगर ये पी अपॉन क्यू है तो ये 3/11 है तो ये है 11-3/11+3 11-3/11+3 सोल्व करने पर 4/7, तो ये इधर से भी वही पैटर्न है लेकिन थोड़ा सोल्व करके लिख रखा है तो इसकी वैल्यू हमेशा पाई बाई फोर आनी चाहिए। तो सोल्व करते हैं आगे, तो इसे सोल्व करेंगे तो मैंने इसके लिखा टेन इनवर्स 4/7 प्लस 3/11 अपॉन 1-4/7 इंटू 3/11 इसके बराबर लिखा मैंने टेन इनवर्स 77 एलसीएम आ जाएगा 44 प्लस 21 अपॉन यहाँ पे भी 77 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे आएगा 77 माइनस 12 अपॉन 77 77 से 77 कैंसिल यहाँ आएगा टेन इनवर्स 65 अपॉन 65 जो कि टेन इनवर्स 1 होता है और टेन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, यही हमें आंसर लाना था। तो अगर हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान रखें कि 1 और जो ये टेन इनवर्स 1/3 है और टेन इनवर्स 1/7 है इनको सोल्व करने पर 1/2 आता है और इनको सोल्व करने पर 1/3 आता है, तो वो कैलकुलेशन इस कैलकुलेशन से थोड़ी सी इजी है। दूसरा ये है कि हमें ग्रुपिंग का भी पता होता है कि ग्रुपिंग चाहे कोई भी बना लो पैटर्न हमेशा यही मिलेगा और इसका पर्टिकुलर केस है ये पैटर्न भी मिल सकता है, तो ज़्यादा इजी पैटर्न ये है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी करनी पड़ती है। कई बार क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, इस क्वेश्चन में तो इतनी हार्ड कैलकुलेशन नहीं है लेकिन कई हम क्वेश्चन आगे और करेंगे जिनमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी, उस समय ये पैटर्न हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।